अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं बस अभी अपने रूम में था तो अभी बारिश बाहर मुझे आवाज़ आई। मैंने कहा यार एकदम बारिश स्टार्ट हो गई है। हालांकि इधर बीजिंग में बारिश मम होती रहती है। मौसम टेम्परेचर जो है वो 35, 37, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है इधर टेम्परेचर की, 8-10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो लाइफ है ये डिस्टर्ब नहीं होती बारिश की वजह से। बारिश की वजह से ना किसी ने अपने रिसर्च सेंटर से छुट्टी करनी है, ना ही किसी ने यूनिवर्सिटी से, ना ही किसी ने स्कूल से, ना ही जो टीचर्स हैं या मैनेजमेंट वाले हैं, जो रिसर्चर्स हैं, साइंसदान हैं, किसी ने भी छुट्टी नहीं करनी। ठीक है, किसी ने दूर से आना है, करीब से आना है, जिन्होंने आना है उन्होंने आना ही है। तो हालांकि पाकिस्तान में ऐसा होता है जो काम कर रहे होते हैं वो भी काम छोड़ के बाहर निकल जाते हैं इंजॉय करने, कि बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। कोई पकौड़े खाने चला जाता है, कोई खाने पीने चाहिए, कोई चाय के लिए चला जाता है, कोई आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। लेकिन इधर इधर हर चीज़ जिसने खानी है उधर ही पहुंच जाती है। तो हम लोग बाहर जाना तो पसंद करते हैं, लेकिन उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी अपनाना हमें चाहिए। बाहर के मुल्कों के अंदर ये लोग काम करते हैं, और पाकिस्तानी भी जो बाहर जाते हैं वो भी उधर फुल टाइम लोग काम कर रहे होते हैं, तभी वो डॉलर जो है वो रियाल या जो भी उधर की करेंसी है वो कमा रहे होते हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम लोग मेहनत करना ही गवारा नहीं करते। एक आदमी पूरी फैमिली में कमा रहा है और बाकी सारी फैमिली बैठ के खा रही है, तो ये जो उधर का कल्चर है ये इधर किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है। तो हमें जिधर हम बाहर जाना चाहते हैं उधर हमें उनकी दूसरी भी बहुत सारी चीज़ों को जो है अपनाना चाहिए, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम भी हमारे मुल्क के अंदर अच्छी जो है मतलब कि अपना इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें। ये इम्प्रूवमेंट हमसे ही है, क्योंकि हम बदलेंगे तो हमारा मुल्क भी बदलेगा।